दिखाते हैं कुछ चीज़ें। ये देखिए, सबसे पहले इन बच्चों ने बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। आइए चलते हैं, मैम से इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो मैम। हेलो, मैं प्रीति सिंह, फैशन डिज़ाइनिंग की मैं टीचर हूँ। प्रतापगढ़ में PBPG कॉलेज में ये कोर्स चलता है। 2008 में UGC के द्वारा ये कोर्स आया था। यहाँ पर बच्चों, बहुत अच्छा वर्कशॉप चलता है, बच्चे सब बनाते हैं। इसमें स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, पेंटिंग्स है, ज्वेलरीज है, स्केचिंग है। कोर्स का तो हम कराते ही हैं, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग में अदर्स चीज़ें भी हम बताते हैं, जैसे जूट का वर्क, धान ज्वेलरी, माइक्रमे, आरी वर्क, साड़ी मेकिंग, डिफरेंट टाइप की सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। अभी ये रिकॉर्डिंग करेगी तो एप्लिक वर्क की चादर लगी है। कोरोना काल में बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया, तो बच्चे थोड़ा ही सामान लाए और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया। यस मैम। मैम, जिसने बनाया है, जो भी, मतलब थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे? हाँ, ये देखिए, ये हनीकॉम का बैग। यस मैम, बहुत अच्छा है ये स्टिचिंग, मतलब आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हनी बैग बनाया हुआ है, बहुत ही, सॉरी, हनीकॉम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये हाथों से बना हुआ है, इसको कॉटन कपड़े में हैंडवर्क करके फिर बना के फिर इसे बैग के रूप दिया गया है। इधर भी, यस मैम, ये भी हनीकॉम का है, ये थोड़ा सा बड़ा बैग बनाया है। यस मैम, ये श्वेता सिंह ने बनाया है। जी श्वेता जी, आप बताएंगे आपने कैसे बनाया ये? हाँ, रिलैक्स, ये तुमने कैसे बनाया है वही बताना है। बस आपको बताना है कि आपने किस तरीके से, कैसे कपड़े की सिलाई की है। मीटर कॉटन कपड़ा। यस मैम। उसके बाद इसमें निशान लगाए हैं एक इंच पे, उसके बाद धागे से टाक दिए हैं, टाकने के बाद मोती वोती लगा दिए हैं, बर्फी टाइप में आ गया है इसका से, उसके बाद फॉर्म लगा के सिल दिए गए हैं, चैन लगा के। बहुत अच्छा आपने बनाया। चलिए हम आप लोग एक और कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कुछ हनीकॉम बेस्ड पे, जैसे कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, बहुत